देश में लॉकडाउन को 44 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोरोना की रफ्तार रुकने के बजाय और स्पीड पकड़ती जा रही है। भारत के 12 शहर ऐसे हैं जहां देश के 60% कोरोना केस हैं, और उन्हीं शहरों में से एक गुजरात का अहमदाबाद शहर। जबरदस्त चहल पहल के लिए मशहूर अहमदाबाद शहर में वायरस ने ऐसी घुसपैठ की है कि आज खौफ ही खौफ पसरा है। देश भर में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3.0 में कुछ कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन अहमदाबाद में आज भी संपूर्ण लॉकडाउन है। आप देख सकते हैं कि पीपीई किट पहनकर सड़कों पर सीआरपीएफ के जवान गश्त लगा रहे हैं। अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ की तैनाती भी कर दी गई है। शहर में कोरोना से हालात बेकाबू होते देख प्रशासन ने 7 से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया है। अहमदाबाद में आज से दूध और दवा की दुकानों को छोड़कर जरूरत के सामान की सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। अहमदाबाद कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। वैसे में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए ये फैसला लिया गया है कि सिर्फ दूध और दवाई, ये दोनों चीजों की दुकान ही खुलेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के जुआपुरा इलाके में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूध की दुकान है वो खुली है। साथ ही आरएएफ को तैनात कर दिया गया है ताकि जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो इलाके में लगातार यहाँ पे रहे और जो लॉकडाउन है उसका सख्ती से पालन करवाए। अहमदाबाद में जिस तरह कोरोना का ग्राफ नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है, उसने समूचे शहर को डरा कर रख दिया है। गुजरात सरकार के भी हाथ पांव फूल गए हैं कि आखिर वो करे तो क्या करे, कोरोना को कंट्रोल कैसे करे। गुजरात में 6 मई को कोरोना के 380 नए केस सामने आए, जबकि 28 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो गई। इस तरह गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या 6,625 पहुंच गई, जबकि गुजरात में कोरोना से मरने वालों की संख्या 396 हो गई। अकेले अहमदाबाद में 6 मई को कोरोना के 291 नए केस आए। इस तरह अहमदाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद 4,735 पहुंच गई। हम आपको बता दें कि अकेले अहमदाबाद में कोरोना से अब तक 297 की मौत हो चुकी है। गुजरात और अहमदाबाद में कोरोना के आउट ऑफ कंट्रोल होने पर कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य में कोरोना का ग्राफ अहमदाबाद में 24 फरवरी को हुए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के चलते बढ़ा है। ये सिचुएशन के लिए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम जिम्मेदार है, क्योंकि 30 जनवरी को WHO ने पूरे वर्ल्ड में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। अमेरिका ने भी अपने वहां 31 जनवरी को हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, और 7 फरवरी को देश के हेल्थ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भी बताया था कि किस हालात का हम सामना करने जा रहे हैं। फिर भी ये कार्यक्रम हुआ। 24 फरवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप अहमदाबाद आने वाले थे, उनके साथ बहुत ही बड़ी तादाद में सिक्योरिटी स्टाफ, डेलीगेशंस और हजारों की तादाद में विदेशी लोग अहमदाबाद आए। ना कोई मेडिकल चेकअप हुआ, ना स्क्रीनिंग हुआ, और एक स्टेडियम में लाखों की संख्या में लोगों को लाया गया। पूरे रूट पे लाखों लोगों को साथ साथ खड़ा किया गया। WHO की जो सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन थी उसका भंग हुआ, और जो मेडिकल प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो भी नहीं लिए गए। उसकी वजह से कम्युनिटी ट्रांसमिशन यहाँ से शुरू हुआ और आज लोग मर रहे हैं। हम आपको बता दें कि अहमदाबाद में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जमालपुर इलाका है। यहाँ अब तक 728 कोरोना के केस आ चुके हैं, जबकि 79 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। पूरे जमालपुर इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दिया गया है। देश में महाराष्ट्र के बाद गुजरात ऐसा दूसरा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना की वजह से मौत हुई है, और उसमें भी अहमदाबाद और खास करके वॉल सिटी का पुराना अहमदाबाद जो है वो इसका हॉटस्पॉट बना हुआ है। इस वक्त हम मौजूद है जमालपुर में, और जमालपुर जो है वो पूरी तरीके से क्वारंटीन कर दिया गया है। दरअसल जमालपुर अकेला ऐसा इलाका है जहाँ पे 79 लोगों की मौत हुई है, और ये मौत जो है वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों
राज्यों से ज्यादा अकेले जमालपुर इलाके में मौतें हुई है। ये सबसे बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि गुजरात के अंदर पिछले 24 घंटे में और खास करके अहमदाबाद में 39 लोगों की मौत हुई है। आप देख सकते हैं कि पूरे जमालपुर इलाके को क्वारंटीन कर दिया गया है। पूरे अहमदाबाद में हालात विकट हैं। कोरोना की इस जद्दोजहद के बीच सिर्फ देश ही नहीं विदेश के लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अहमदाबाद में एक रूस का टेनिस खिलाड़ी लोगों को खाना बांट रहा है। I wouldn't call it stuck. It's a great opportunity for me to spend this quarantine with the use for the people. गुजरात में कोरोना ने हालत बदल दिए हैं। कोरोना काल क्या कुछ नहीं करवा रहा है। वडोदरा में एक ज्वेलर का धंधा बंद हुआ तो वो सब्जी बेचने लगा। आप देख सकते हैं कि कैसे तुरई लौकी शिमला मिर्च के लिए ये ज्वेलर आवाज लगा रहा है। ज्वेलर कनु भाई सोनी ने अपनी पहचान के मंडी वाले से थोक में सब्जी मंगवाई और घर पर ही सब्जी की दुकान लगा ली। समूचा गुजरात कोरोना से डर रहा है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। सरकार और प्रशासन के लिए भी कोरोना बड़ी चुनौती बन गई है। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।